नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईबी इंडिया न्यूज। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। शमशान स्थल पर भू माफियाओं का कब्जा। मामला हरदोई के शाहबाद तहसील के अंतर्गत मोहल्ला गिग्यानी के पास स्थित खेतों में शमशान स्थल का है, जो कई सालों से वहां पर लगातार अंतिम संस्कार के लिए लोग वहां पर मृत्यु हो जाने के बाद ले जाते हैं, लेकिन वहां जाने के लिए रास्ते में भू माफियाओं ने अपने खेत के किनारे से दोनों तरफ जगहों पर कब्जा कर लिया है और वहां तक जाने के लिए ऐसी स्थिति नहीं रह गई है कि वहां पर जाया जा सके, और जिसमें ले जाने के लिए काफी दिक्कतें अंतिम संस्कार यात्रा को ले जाने में होती है। इसकी जानकारी जिलाधिकारी और उपजिलाधिकारी को दी गई, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसके एप्लीकेशन शालिग्राम पुत्र स्वर्गीय रामचरण मोहल्ला गिग्यानी शाहबाद ने आला अधिकारियों को दिया, लेकिन उसका कोई निराकरण नहीं निकल रहा है। शमशान घाट के पास में सरकारी ट्यूबवेल और सरकारी नल, जिसकी दशा जर्जर है, लेकिन वहां पर किसी तरीके की शासन प्रशासन द्वारा मदद नहीं हो रही है। ऐसे में मोहल्ला ज्ञानी के समाज सेवी राम सिंह राठौर द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। उन्होंने मोहल्ले वासियों को ले जाकर आला अधिकारियों को शमशान को साफ सुथरा बनाने की बात कही। जो है पुस्तैनी, मतलब जन्म से ही जो है हम इसको देख रहे हैं, ये सती चौरा शमशान स्थल के नाम से जाना जाता है, और इसमें लगभग तीन मोहल्लों के लोग, सैयदवाड़ा, गिग्यानी, खेड़ा, चौक आदि के जो है लोग, यहाँ अंतिम यात्रा जो है उनकी यहीं पर समाप्त होती है। और यह जो लगभग तीन गट्ठे का ये कच्चा चक्रोड रास्ता था शमशान स्थल तक आने के लिए, आज उस रास्ते को काश्तकारों द्वारा जो है बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है, जो कि मेड़ के रूप में तब्दील हो गया है। और शमशान स्थल के चौतरफा जो काश्तकार लोग हैं, उन्होंने शमशान स्थल की भूमि को भी कब्जा कर लिया है। मेरी शासन प्रशासन से ये मांग है कि इसको कब्जा मुक्त कराकर इसका निर्माण कराया जाए, जिससे हम लोगों को अंतिम यात्रा में आने के लिए कोई समस्या ना उत्पन्न हो। मेरी शासन प्रशासन से सभी मोहल्ला वासियों की, नगर वासियों की यही मांग है, और इसके लिए अपनी बात को शासन प्रशासन तक हम लोगों ने पहुंचाया है, और आगे भी जो भी होगा हम सब लोग इसके लिए संघर्ष करते रहेंगे, चाहे मुझको धरना प्रदर्शन या जो भी करना पड़ेगा। जब तक ये समस्या हम लोगों की हल नहीं होगी, तब तक हम लोग अनवरत रूप से जो है इसी तरीके से संघर्ष जारी रखेंगे, और मेरी शासन से मांग है कि शीघ्र इसका निराकरण किया जाए और शमशान स्थल तक आने की सुचारू रूप से रास्ता का प्रबंध किया जाए, और शमशान स्थल पर जो चौतरफा कब्जा किया गया है उसको कब्जा मुक्त कराकर इसका निर्माण कराया जाएगा। जो टूटो फूटो सब परो है वो, अब हम लोग जब आउट होंगे कोई नहीं, मट्टी नहीं है, तब जो यहाँ हाईवे की कोई व्यवस्था नहीं होगी। यहाँ पे जो आपके ऑपरेटर हैं, यहाँ पे कभी आपको मिले? हाँ, ऑपरेटर मिले, लेकिन उनसे कहा देंगे तो वही कह रहेंगे, हाँ कोशिश कर रहेंगे। क्या नाम है ऑपरेटर? सुरेंद्र।